आज हमारे संवाददाता ने बिहार कटिहार से जो हमें न्यूज़ भेजा है, रिपोर्ट भेजी है, आज उसको हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हैं चंदा निषाद जी, और ये निषाद विकास संघ की जिलाध्यक्ष, कटिहार की जिलाध्यक्ष हैं, और ये मुकेश साहनी के नेतृत्व में अपना कार्य कर रही हैं, निषाद समुदाय के हितों के लिए संघर्ष कर रही हैं। और एक बार ये जिला परिषद का चुनाव भी कटिहार जिले से लड़ चुकी हैं, और ये कुछ ही मतों से चुनाव हारी थी, और जहाँ तक इनके बारे में कहा जाए, ये निषाद हित के लिए ही अपना जो है कि कार्य ये कर रही हैं बिहार में। और ये देखिए चंदा निषाद जी को, और चंदा निषाद वो जानी मानी हस्ती हैं, वो बड़ा नाम है जो कि एक बड़ी लीडर के तौर पर इनको पेश किया जाता है। और ये निषाद विकास संघ की कर्ता धर्ता हैं, पूरी तरह से इनके सानिध्य में संगठन अपनी मजबूती की तरफ कदम बढ़ा रहा है। चंदा निषाद जी ग्रेजुएट हैं मित्रों, और ये देखिए चंदा निषाद जी, ये देखिए मुकेश साहनी जी के साथ में चंदा निषाद। अब हम इनके बारे में और क्या ज़्यादा बताएं, आप लोग समझ ही सकते हैं। ये देखिए निषाद विकास संघ की यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और उसके बगल में चंदा निषाद जी हैं, और ये देखिए दोबारा फिर से ये चंदा निषाद जी का लुक आप देख सकते हैं, दमदार लुक है। और एक तरह से ये मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हो सकती हैं, ये अगर निषाद संघ, निषाद विकास संघ अपनी पार्टी बनाए और चुनाव लड़े। हालांकि उसके प्रमुख नेता माननीय मुकेश साहनी जी हैं, अगर मुकेश साहनी जी मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के, तो चंदा निषाद जी को उप मुख्यमंत्री या फिर कैबिनेट में मुख्य जगह प्रदान की जाएगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पूरे बिहार के निषाद समुदाय के नेता मानते हैं और कहते हैं। चंदा निषाद एक हैसियत रखती हैं अपनी।